It's caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, आजकल फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप अनपढ़ हो, किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। कहीं भी आप चले जाते हो, हर बंदा बस यही चाहता है कि वो आपको ठग ले, किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड कर ले और उसका फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, सुने होंगे फ्रॉड कि किसी के बैंक से पैसे चोरी हो गए, किसी को OTP आया उसके साथ उसके पैसे चोरी हो गए। तो ऐसे बहुत से फ्रॉड आजकल मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रॉड की, वो मैं ऐसे वैसे किसी फ्रॉड के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे रिलेटेड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मोस्टली फ्रेशर स्टूडेंट हैं। तो जो फ्रेशर बंदा होता है, जिसकी ब्लेस होती है, अगर उसको कोई एक चीज़ बोले ना कि यार मैं तुझे जॉब दिला दूँगा, तो वहाँ पे आप उसी टाइम उसकी बातों में आ जाते हो। तो यही आज मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था, कल मैं ऐसे ही अपने YouTube पे कमेंट चेक कर रहा था, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स एक किसी लड़की के नाम से कोई ID थी वहाँ पे, उसके नाम से काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे। तो उसमें उसने अपना नंबर साथ में मेंशन करा था और साथ में लिखा था कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो इस नंबर पे कॉल करिए, आपको बहुत अच्छी सैलरी में जॉब लग जाएगी, तो ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मैंने खुद देखा, मुझे वैसे नॉर्मली अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मैं तो यही चाहता हूँ कि यार सबको जॉब मिल जाए। लेकिन मैंने देखा यार, मतलब हर किसी के कमेंट के नीचे उसने कमेंट कर रहा है, और ऑलरेडी मेरी 5-6 वीडियोस के नीचे भी उसने यही कमेंट करा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसको एक बार कॉल करूँ, एक बार चेक तो करूँ क्या है ये लोग क्या कहना चाहती है, मतलब सच में जॉब है या क्या है। तो मैंने उसको कॉल किया उस नंबर पर, तो फ़ोन नहीं उठाया उसने। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उसका फ़ोन आया थे। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि मैंने आपका ऐसे ही एक YouTube चैनल पे आपका कमेंट आया था, तो मैंने वहाँ से आपका नंबर लिया, तो अब मुझे प्लीज़ एक बार बताओ कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो कोई लड़का था बिहार या UP वाली साइड का, मुझे कन्फर्म नहीं है, या फिर गुजरात वाली साइड का, मतलब बोलने से लग रहा था ऐसे। उसने मुझे बोला कि हाँ सर ज़रूर जॉब मिलती है, हम गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। तो पहले आपको मतलब ऐसे फंसाते हैं, आपको बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है। जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे पर्ची काटनी होती है, मरीज आते हैं उनका BP चेक करना है, ये करना है वो करना है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने जॉब्स रिसेंट निकाली है, तो अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है। तो अगर मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा यार अगर गवर्नमेंट जॉब है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। जब उसने ये चीज़ बोली थी मुझे तो उसी टाइम पता चल गया था, क्योंकि मैं तो वैसे भी इस फील्ड में पुराना बंदा हूँ, तो मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि ये फ्रॉड है, ये मतलब किसी भी तरीके से पैसे ठगना चाह रहा है मेरे से। लेकिन एट द एंड मुझे यही चीज़ देखनी थी कि कैसे, मतलब क्या तरीका अपनाता है, क्या करता है। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है यार मुझे जॉब चाहिए किसी भी तरीके में। तो बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, जॉब मिल जाएगी। मैं कहा चल ठीक है दिलवा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पूछा। तो उसने बोला कि सर आपको क्या करना है, सबसे पहले यही आपका WhatsApp नंबर है, मैं हाई लिख के भेज रहा हूँ, आप मुझे अपना आधार कार्ड की फ़ोटो, अपनी सर्टिफिकेट और अपनी फ़ोटो ओरिजिनल वो भेज दो। तो मैंने बोला ठीक है यार मैं अभी भेज देता हूँ। तो पता तो था मुझे कि ये फेक है, तो मैं साथ में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करता चलूँगा, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो इसमें जो मैंने करा था, जो मैंने मतलब उनको भेजा हुआ था। तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये फ्रॉड है, कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए मैंने गूगल से जाके एक ऐसे किसी का जनरली आधार कार्ड उठाया और उसको सेंड कर दिया, आगे पीछे दोनों की फ़ोटो सेंड करी। उसके बाद उसने बोला कि अपनी फ़ोटो सेंड कर दो, तो फ़ोटो तो ऑब्वियसली मैं अपनी नहीं कर सकता था, तो मैंने उसको बोला कि यार फ़ोटो तो नहीं है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं बाद में कर दूँगा। तो मैंने आधार कार्ड वाली जो फ़ोटो थी उसकी मैं काट के मैंने वही भेज दी, और उसने बोला कि अपना सर्टिफिकेट भी सेंड करो। तो अब मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो तो कर नहीं सकता था, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ही मतलब जिस नाम से मैंने आधार कार्ड भेजा वही नाम मैंने गूगल पे टाइप करा, और उसी नाम से मैंने एक सर्टिफिकेट उठाया, वहाँ पे फ़ोटो मिल गई तो मैंने उसको सेंड करी। तो उसमें प्लस टू का शायद सर्टिफिकेट था कोई, तो मतलब फ़ोटो भी डिफरेंट है, जो आधार कार्ड की फ़ोटो है वो डिफरेंट है, जो दूसरी फ़ोटो वो डिफरेंट है, लेकिन मतलब उस बंदे को तो बस वही है, इतना पढ़ा लिखा मुझे लगा नहीं वो, मतलब
बस ये है कि थोड़ा उनको ये फ्रॉड करने का पता था तो वो लगे पड़े हैं। तो उसके बाद जब मैंने उनको सेंड कर दिया तो उसके बाद मैंने उसको पूछा कि अभी मुझे आगे क्या करना पड़ेगा। वो बोला बस 2 मिनट दो, मैं अभी आपको बताता। उसने क्या करा, मेरा आधार कार्ड से जो भी मैंने आधार कार्ड भेजा था उसका एड्रेस देखा यूपी का था, तो उसने यूपी का हॉस्पिटल का नाम लिख के भेज दिया कि ये हॉस्पिटल में आपकी रिक्रूटमेंट की बात हो गई है, ऑलरेडी कर ली है मैंने रिक्रूटमेंट की बात, आपको ज्वाइन करना है, उससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। मुझे उसने एक फॉर्म भेजा, वो भी मैं साथ में उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, वो आप देख लो, ऐसा वाला फॉर्म उसने मुझे भेजा। तो मुझे बोला कि ये सर फॉर्म फिल करना है, 650 रुपीस इसकी फ़ीस है, और ऐसे फॉर्म फिल करना है और अपनी सारी डिटेल मुझे सेंड कर दो, फॉर्म फिल करके मैं उनको सेंड कर दूंगा और उसके बाद आपको जॉब के लिए नोटिस आ जाएगा और आप ज्वाइन कर लेना। मैंने यार दिमाग में सोचा, मैं क्या मतलब अगर फ्रॉड करना है बंदे ने तो मतलब 650 रुपीज़ का क्या फ्रॉड करेगा यार वो। फिर मैंने सोचा यार कोई और लोचा होगा, तो मैंने उसको बोला ठीक है यार। फिर मैंने दिमाग चलाया, ऐसे ही मैंने एक पेटीएम की एक फेक एप्लीकेशन होती है तो वो मैंने डाउनलोड करी, उस पर मैंने 650 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन फेक, मतलब रियल नहीं, फेक ट्रांजेक्शन करी और उसको सेंड कर दिया। उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने साथ में लगा दिया, वो आप देख लो, 650 की ये ट्रांजेक्शन मैंने उसको दिखा दी कि हाँ भाई मैंने कर दी है। तो उसने बोला ठीक है यार मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने ट्रांजेक्शन नहीं करी थी, तो फिर 1 मिनट के बाद ही उसका कॉल आ जाता है मुझे, यार मतलब आप मुझे पागल समझ रहे हो, मैंने आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है। तो मैंने बोला यार ऑब्वियसली मैंने करनी है। तो बोल रहा है तो फिर पैसे क्यों नहीं सेंड करे। मैं कहा यार मैंने करे हैं, ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट सेंड करा उसको। तो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं आए हैं। तो मैं क्या यार पता नहीं मुझे, मैंने तो कर दिए हैं। तो फिर ना उसने क्या करा, उसने फेक एप्लीकेशन से, उसको तो ये लगा कि मैंने रियल में पैसे कर दिए हैं। फिर उसने क्या करा, फेक एप्लीकेशन से मुझे 10,000 रुपीज़ सेंड करा, इसी मेरे नंबर पे 10,000 रुपीज़ सेंड करा और नाम मेरा उसने लिखा आधार कार्ड वाला। तो मतलब पागल मुझे बना रहा है, जब भी ट्रांजेक्शन करते तो उसमें जो नाम आपने ऐड करा होता है वही नाम आता है और कोई नाम नहीं आता। उसने वही सूरज कुमार जो मैंने नाम लिखा था वही उसने नाम लिख के मेरा नंबर लिखा और फेक ट्रांजेक्शन 10,000 की मुझे सेंड करी कि भाई साहब मैंने तो पैसे सेंड कर दिए, 10,000 देखो आए या नहीं आए। तो मैं क्या नहीं आए। फिर मुझे बोला आपके 650 का मुझे मैसेज आ गया है, आपके 650 रुपीज़ आ गए हैं मेरे पास। तो मैं क्या चल सही है यार। तो बोला कि आप मेरे वापस करो बाकी जो 9,000 समथिंग जितने भी बचते हैं वो मेरे पैसे वापस करो। तो मैं क्या मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे बना रहे हो। तो मैं क्या ऑब्वियसली यार आप हो तो मैं आपको क्या बनाऊँगा। तो फिर ना मुझे बोला अच्छा ऐसा है, अभी रुको। उसने कहा यार मेरा आधार कार्ड लिया, वही जो मैंने फेक वाला सेंड करा, आधार कार्ड लिया, एक फ़ोटो पे प्रिंट करा और नीचे लिख दिया, मतलब काफ़ी गंदा गंदा भी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ऐसा लिख दिया कि अगर ये लड़कियों का धंधा करता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसने मुझे, और ना मुझे सेंड कर दिया कि भाई साहब अगर इतने पैसे नहीं देते हो तो मैं तो आपका चढ़ाऊँगा अभी नेट पे, फेसबुक पे। तब मुझे सारी समझ आई खेल के ये कैसे पैसे लेते हैं। तो फिर मैं उसके साथ हो गया पंजाबी में शुरू। तो वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने उसको कितनी गालियाँ दी और क्या क्या दी, और उसके बाद उसने मुझे सब बता दिया कि हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो वो बोलता है कि आज तक उसने, मतलब अभी ये रिसेंटली उसने शुरू करा है काम, अभी अप्रॉक्स 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही करके उसका जो टारगेट होता है वो कौन होती है, लड़कियाँ, मोस्टली 70-80% लड़कियाँ टारगेट होती है। और ये बात उसने मुझे खुद बताई है, क्यों, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं ना, जैसे हम इंडियंस हैं हमें अपनी इज्जत की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर जब भी बात हमारी इज्जत पे आती है ना तो वहाँ पे हम कुछ भी कर लेते हैं। तो वो क्या करता है कि जॉबलेस लड़कियाँ जितनी भी होती है नर्सिंग वाली, तुरंत तुरंत अपना सारा उसको सेंड कर देती है। वो ऐसे ऐसे लिख के देता है कि भाई साहब हम तो यहाँ पे कर देंगे। तो हम क्या सोचते हैं उस टाइम पे कि यार हमारी पैसे तो फिर आ जाएंगे लेकिन इज्जत गई ना तो वो वापस नहीं आएगी, मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे, ये फ़ोटो अगर मेरे रिलेटिव के पास चली गई तो क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये चक्कर में हम क्या करते हैं, हम पैसे दे देते हैं जितने मांगते देते। और वो उसने बंदे ने मुझे बताया है कि उसकी जो एज है वो 19 साल की है और अभी प्लस टू नहीं करी उसने, उसकी बातों से भी पता चल रहा था और एज भी उसकी ज़्यादा नहीं थी। और जब मैंने ऐसे थोड़ी गालियाँ वालियाँ दी
तो फिर थोड़ा मेरे साथ हो गया सही, उसको पता चल गया कि मैंने उसको, मुझे बोला कि अगर आपको पता है तो फिर आपने अपना आधार कार्ड क्यों सेंड करा। तो मैंने उसको बोला कि यार तू इतना सोच ले, इतना दिमाग लगा ले, जिस बंदे ने तुझे 650 की फेक पेमेंट सेंड करी है तो वो मतलब अपना रियल आधार कार्ड सेंड करेगा। तो फिर मतलब थोड़ा मेरे साथ सही से बात करने लग गया। तो फिर मैंने उससे पूरी बातें निकलवाई, तो उसने मुझे ये बताया यार कि एक महीने में 19 साल के लड़के ने 3-4 लाख रुपए ऐसे ही बना लिया फेक कॉल कर करके। तो इसलिए यार मैं आप सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी, पहली तो चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जॉब है ऐसे कभी नहीं लगती, ऐसे कोई भी नहीं लगवाता है, आपको पूरा एग्ज़ाम देना पड़ता है, सब करना पड़ता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आओगे तो आपका ज्वाइन होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, उसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, ऐसा कोई भी आपको नहीं लगवाता। तो कभी भी अपना आधार कार्ड और अपनी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी, और ख़ास करके अपनी फ़ोटो किसी के साथ भी शेयर मत करो। तो ये सारे लौंडे लपाट बस आपको लूटने के लिए बैठे हैं, तो कभी भी इनके पीछे मत लगो। तो मैं आपको बताने का, मेरा ये आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको पता चल सके। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये सब फ्रॉड में फंसो और बेकार पे अपने पैसे लगवा लो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप जॉबलेस हो तो आपके पास पैसे की इतनी कमी होती है, और ऊपर से ऐसे वाले लड़के जो आपको लूट लेते हैं तो आपका बहुत नुकसान होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ये नुकसान हो। तो आप नए बच्चे हो तो बहुत सारी नई नई जगह पे, नई नए प्लेटफॉर्म में आप जाते हो, नए नए चैनल्स पे आप जाते हो, वहाँ पे विज़िट करते हो, तो वहाँ पे हर जगह पे आपको ऐसे वाले लोग मिलेंगे लूटने वाले। तो कभी भी उनके पीछे मत लगो, नॉलेज लो बस उतना, किसी को कॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना। फ़िलहाल मैंने अपने चैनल से उसको पूरा हटा दिया है, पूरे जितने भी उसके कमेंट थे यूट्यूब ने सारे ही डिलीट कर दिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको स्पैम में डाल दिया था। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कभी दिखता है तो ऐसे कभी भी किसी को कॉल मत करो, और ना ही अपने किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करो। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि जो ऐसे वाले फ्रॉड में वो ना फंसे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।